अलकुम जी मेरा नाम अकबर जैदी है मैं आ, इस वक्त आई बी एक यूनिवर्सिटी है कराची में बहुत मशहूर पाकिस्तान की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उसका मैं एग्जैकटिव डायरेक्टर हूँ यानी वाइस चांसलर आ, इसके अलावा मैं पोलिटिकल इकॉनमिस्ट हूँ इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान की मीशत के बारे में लिखता हूँ सोचता हूँ पढ़ता हूँ और पोलिटिकल इकॉनॉमी जो होती है उसमें इकॉनॉमी से थोड़ी सी फर्क होती है उसमें माशरे की भी बात की जाती है रिश्तों की भी बात की जाती है तब्दीली की बहुत बात होती है ये इर्तका की बात की जाती है बहुत अहम होता है क्योंकि अक्सर आप देखें इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अम, कहते हैं कि अच्छा हमारी ग्रोथ रेट इतनी होने वाली है बस कि या महंगाई हो गई लेकिन महंगाई के असरा क्या होते हैं वगैरह के तो मैं पोलिटिकल इकॉनॉमिक हूँ ये बहुत अहम चीज़ है और से थोड़ी सी हट के होती है एक और बात यह है कि मैं कराची का रहने वाला हूँ कराची की पैदावार हूँ कराची में पढ़ा पढ़ाऊँ कराची में बड़ा हुआ सारा मेरी ज़िंदगी कराची में है इतफाक़ से कल ही कोई मुझसे पूछा था कि इसी तरह का एक कराची पे कुछ सेशन हो रहा था कि उन्होंने पूछा कि आप कराची में क्यों रहते हैं मैंने कब मैं पैदा हुआ था एक जो अंग्रेजी का लफ्ज़ फेमिलियरिटी यानी जान पहचान तरीका तौर तो तरीके ये मुझे पता है बंस रोड का है मुझे ये पता है खाने पीने की कौन सी जगह है वगैरह वगैरह मुझे पता है नाजमाबाद में कौन सी जगह मिठाई अच्छी मिलती है तो मैं कराची का रहने वाला हूँ और ये रहा उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या किसी और शहर में रह लेंगे मैंने कहा मैं जाता रहता हूँ देखता रहता हूँ लेकिन कराची की जो जिद्दत है कराची की जो जान है कराची में जो जो एक 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 तरीका है तौर तो तरीका है मीशत का रहने का ये वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको सबसे बड़ी बात है कि देखिए कराची जो है इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है अभी भी कहा जाता है ये और बातें हमें पता नहीं कराची की आबादी कितनी है तीन करोड़ है ढाई करोड़ है कितनी है ये पता है कि बहुत है बहुत बड़ा शहर है और जो दुनिया में बड़े शहर गिने जाते हैं उन्हीं में गिरा जाता है इसकी कुछ जो आबादी के लिहाज से जो आदाद शुमार हैं वो इस बात पे कहते हैं कि जो कराची या के के हदूद के बाहर हैं क्या वो कराची के हिस्से हैं नहीं है मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पे सोशल साइंटिस्ट के तौर पे मैं तो ये कहता हूँ वो भी कराची का इससे बल्कि कराची इतना लामहदूद हो गया है कि पता नहीं ठट्टा तक जाता है कहाँ तक जाता है लेकिन इसका दायरा बहुत वसी हो गई बढ़ता ही चला जा रहा है तो ये सोचने की बातें ऐसा हो क्यों रहा है कि एक तो जाहिर है ये फाइनेंशियल हब कहा जाता है इकोनॉमिक हब कहा जाता है अभी भी कहा जाता है कराची की तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़ हुए हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ छोड़ के चले गए कराची छोड़ के चले गए कि माशी हालात अच्छे नहीं थे आम, अमन का मसला जो था वो नहीं था लेकिन उसके बावजूद कराची अगर कोई कहीं और से पाकिस्तान में अगर कहीं सोचता है किसी छोटे गांव से छोटे शहर से वो कहाँ जाए चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो चाहे वो स्वाद से हो पिशावर से हो फाटा से हो पंजाब से हो सराइकी इलाक़े से हो कोटा से हो मकरान से हो कहाँ से भी हो इंटीरियर सिंध से हो वह रेटो रेटोडेरो से वो कहते मैं कराची जाऊँगा तो कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ये देखें ना सिंध से जो लोग हैं इंटीरियर के सिंध से वो कहते हैं पंजाब नहीं जाएंगे लाहौर नहीं जाएंगे अच्छा अब लाहौर जैसे शहर बहुत सारे लोग आने लग गए हैं खैबर पख्तनख्वा के बहुत बड़ा हिस्सा हो गया इस्लामाबाद क्योंकि जो बॉर्डर पे हमारे अफ़गानिस्तान के साथ तल्लत रहे हैं बीस साल से और जो सारा वॉर ऑन टेर की वजह से इस्लामाबाद बहुत सारे पश्तून आ गए तो ये नए नई नई फनमरी कराची की अगर आप तारीख़ देखें कोई साठ पैंसठ साल से उन्नीस सौ किसाठ साठ की दिहाई से पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते रहे यहाँ पे कराची और पाकिस्तान की तरक्की को एक ही लफ्ज़ समझा जाता है कराची जब बंद होता था इकतसादी तौर पे पाकिस्तान बंद होता था पोर्ट है सबसे बंदरगाह है सबसे बड़ी बात यह है लेकिन बंदरगाह तो एक ही चीज़ है दूसरे भी बंदरगाहें खुल गई हैं ग्वादर की तरफ भी थोड़ा शिफ्ट हुआ है पोर्ट कासिम भी है लेकिन कराची कराची है और ये इकतसादी तौर पर देखें काती तौर पर देखें आप कहीं पर कराची में अभी हम जहाँ बैठे हैं आ, ये बिल्कुल ये बाहर चले जाएं आपको आठ नौ जबानें सुनाई देंगी आपको गुजराती काठियावाड़ी आपको उर्दू तो ज़ाहिर है सिंधी पश्तो पंजाबी सारी एक ही यानी कि एक ही सड़क पे आपको ये सुना ये और कहीं पाकिस्तान में नहीं होगा आप लाहौर चले जाएँ पंजाबी थोड़ी सराई की लेकिन पंजाबी आप पेशावर चले जाएँ आपको हिंद को पश्तो उससे ज़्यादा आप ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऐसी आबादी रहती है जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा है सारे पूरे शहर से पूरे मुल्क से आती है और आते इसलिए हैं क्योंकि कराची की जो बुनियाद है वो इकतदी तरक्की है चाहे मुल्क में कुछ भी हो रहा हो जो लोग कहते हैं कि चाहे सैलाब आ गया जलजला आ गया कुछ भी हो गया लोग कराची आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके आबाई इलाक़ों में उनके छोटे शहरों में जहाँ से वो आए वहाँ पर शायद उनको रोज़गार नहीं मिलेगा लेकिन कराची एक ऐसी जगह है जहाँ वो यकीन से कह सकते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा हो जाएगा फिट हो जाएगा मामला आ जाओ किसी मकैनिक के साथ लग जाओ किसी रेडी रेडी वाले के साथ लग जाओ किसी अगर कुछ पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत तो लोअर मिडिल क्लास में मिडिल क्लास में जाके कहीं ना मिल जाएगी तो कराची एक ऐसी एक ऐसा शहर है जो बढ़ता ही जाता है और ये नहीं कि फैलता गया है आबादी के लिहाज से लोग यहाँ आने के लिए तैयार होते हैं और कराची हमेशा वेलकम करता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे दूसरे शहरों में होता है कि नहीं बाहर से लोग नहीं आए ये नहीं होना चाहिए कराची में भी कभी कभी ऐसा हुआ है लेकिन ये ऐसा शहर है जहाँ पे अगर आप इसकी डेमोग्राफी देखें कि कहाँ कहाँ से आते हैं आपको पता चलेगा कि उर्दू बोलने वाले तकरीबन अब चालीस फ़ीसद बयालीस फ़ीसद रह गए पश्तून बहुत हैं सराईकी बहुत है गिलगित बल्तिस्तान के बहुत हैं सर्दू के बहुत हैं पंजाब कोई ऐसा हिस्सा नहीं है और उसकी वजह ये हो जाती है कि एक तो यहाँ तलीमी मैार बहुत अच्छा समझा जाता है बहुत अहम बात है ये हमारे बहुत सारे लोग जो आते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से तालीम हासिल करने आते हैं फिर लोग रोज़गार हासिल करने आते हैं तो ये तो एक, 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 एक पस मंज़र हो गया अब इसके अंदर देखें किस तरह की जो इकतदी जो होता है आप कहते हैं रिश्ते बनते हैं काम होता है एक तो यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं साइट है काइट है लांडी इंडस्ट्रियल एरिया ये बड़े बड़े जो जो जिसको एक ज़माने में डेवलप्ड कहते थे कि इनका बाकायदा प्लानिंग के साथ किया जाता अब उनका हाल थोड़ा बदल गया है कि वहाँ पे कई तरह तरह की फैक्ट्री फैक्ट्रियाँ लेकिन कराची एक गढ़ है एक गढ़ है बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए तो एक तो ये हो गई बड़ी बड़े कारखाने हैं यहाँ पर पैदा क्योंकि इसकी वजह ये आबादी इतनी ज़्यादा है आबादी ज़्यादा है उसका जो आप कहते हैं परचेसिंग पावर जो उनके पास जो वसाइल हैं इकतदी वसाइल हैं वो हैं तो जब इतनी बड़ी आबादी होती है उसका क़वत खरीद ऐसा होता है कि लोग फिर गाड़ियाँ भी यहाँ बनेंगी यहीं बिकेंगी खाने पीने की अशिया भी यहीं बनेंगी कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तालीमी और सेहत के भी बड़े बड़े हस्पताल हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल आ खान यूनिवर्सिटी है डाओ मेडिकल कॉलेज डाओ सिविल अस्पताल है बड़े बड़े अस्पताल हैं निजी भी सरकारी भी हर तरह तरह के लियाकत हस्पताल है बहुत बहुत सारे हैं इस तरह के आबादी के लिहाज से कम है अब कम पड़ गए लेकिन हैं तो ये इकतसदी एक, एक जो तरक्की होती है आ, ये लोगों को अट्रैक्ट करती है और कराची को जो आ जाता है उसको पता होता है कि कुछ दिन के बाद कुछ अरसे के बाद उसको कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाएगा दिहाड़ी मिल जाएगी और इसीलिए हम देखते हैं लोग आते रहते हैं अच्छा एक तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको ये बड़े बड़े कारखाने आ जाते हैं मिलें जो आ जाती हैं एक ज़माने में 1970 की दिहाई में और 60 की दिहाई में तो ये बहुत बड़ा एक लेबर मूवमेंट भी चली थी इधर जो मजदूरों की मूवमेंट चली थी बहुत बड़े हमारे कारखाने होते थे बहुत शूर होता था अब वो सिलसिले बदल गए बहुत बहुत, बहुत वजूहत की बिना पे कराची की सियासत मुल्क की सियासत दुनिया की सियासत अब जो है यहाँ पे हर एक शख्स जो होता है चाहे वो गरीबी क्यों ना हो वो कहते हैं चलो यार मैं किराए पर रेड़ी ले देता हूँ और रेडी पे लेके उसने कुछ फल फूल रख दिए कुछ इस तरह की चीज़ें रख दी सर्दियों के मौसम में उसने कुछ ड्राई फ्रूट रख दिए मूँग रख दी, दी किनू रख दी है और वो चल पड़ता है कहीं ना कहीं चीज़ें ख़रीदते जाते हैं लोग बिकते जाते हैं तो हमारे यहाँ जो जो एक इस शहर में ये हर तरह का शख्स पढ़ा लिखा और ऐसा शख्स जो नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा सा सरमाया है किसी से वो जाके एडवांस लेके अपने रिश्तेदारों से और ये हो जाता है कि ऐसे शहर में जहाँ सारे दुनिया के सारे मुल्क के लोग रहते हैं कोई ना कोई गांव का शख्स मिल जाता है कोई ना कोई आम आपके मोहल्ले का मिल जाता है कोई आपके शहर का मिल जाता है छोटे शहर का वो आते हैं फिर आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं तो ये इसको सोशोलॉजिस्ट इसको बहुत देखते हैं इसकी किनशिप पैटर्न जिसे कहते हैं कि जो बरदरी सिस्टम कह लें बरदरी तो नहीं लेकिन जहाँ से आए हुए होते हैं रिश्तेदारी के हवाले से लोगों को वो मिल जाती है रोज़गार कहीं कहीं ना कहीं फ़िट हो जाते हैं बेसिकली कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो बंदा आता है उसको कहीं ना कहीं, कहीं फ़िट कर दिया जाता है वो ढूंढ ढाँट के उसको जगह मिल जाती है अच्छा अब हमारी आबादी भी बढ़ रही है क्योंकि एक ये आप कह दें एक वेलकमिंग सिटी है ठीक है कहते हैं कि चाहे यहाँ की सियासत जैसी भी हो पिछले दिहाइयों में अजी फ़र्क सी रही है कराची की सियासत काफ़ी पेचीदा सी भी रही है लेकिन लोग बाहर से आते रहें ये फाटा के इलाकों से बहुत आए हैं तालिबान के अटैक्स के बाद बहुत आएँ पश्तून दूसरी सबसे बड़ी आबादी है ये बड़े मज़े की बात है लोगों को ये पता नहीं होता बल्कि मैं आज ही किसी से कह रहा था सुबह को कि दुनिया का सबसे बड़ा पशतून शहर जो है वो कराची है सारे इवन हैरत की बात है आप खुद सोचें कहाँ पश्तूवा पख्तूखा कहाँ अफ़ग़ानिस्तान लेकिन कराची वो शहर है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा पश्तून रहते हैं आप पिशावर चले जाएँ वहाँ हिंद को बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं उनको पश्तून पश्तून नहीं मानते वो उनका अपना झगड़ा है मेरा नहीं है अच्छा काबुल चले जाएँ वहाँ पर ताजिक भी हैं दरी भी हैं दूसरे है। तो कराची वो शहर है और, और ये लोग हैं जिन्होंने मेहनत कश आवाम जिन्होंने कराची को बुलाया तो अब आप ख़ुद सोचें कि जो उर्दू बोलने वालों का शहर समझा जाता था वहाँ पर अगर इतनी बड़ी एक तादाद है लोगों की तो ऐसे की भी बहुत आने लगे एक और चीज़ जो हुई है पिछले कुछ सालों में कि जैसे जैसे सड़कें बनी हैं बड़ी मदद की बात थर थर की जो सर सड़क है पहले तो आप थर जाते थे उमरकोट जाते थे मिट्टी जाते थे अठारह अठारह सोलह सौ अब आप सात घंटे में पहुंच जाते हैं छः घंटे में पहुंच जाते हैं और आप देखें कराची में जो नया एक ट्रेंड है वो इन लोगों का है जो थर के इलाके से आ सिंध के इंटीरियर से तो आते ही रहें लेकिन अब थर ही बहुत आने लगे और कुछ स्किल्ड होते हैं ड्राइवर्स होते हैं गलों के घरों में काम करते हैं और कुछ सेमी स्किल्ड किस्म के, के काम करते हैं तो अब ये देखें मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये नहीं कि फ़लाँ कौमियत के लोग आए फला मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान में तब्दीली आती तरक्की आती है वारन टेरर आता है पश्तून आ जाते हैं थर में तरक्की होती है तरक्की नहीं होती सड़क बनती वो आ जाते हैं तो एक ऐसा शहर है जो सबको वेलकम करता है अच्छा अब ये करते हुए भी कराची के मसाइल बहुत हो जाते हैं मसाइल एक आबादी का है पूरी पाकिस्तान का है मसला कराची का भी है यहाँ पर जिस रफ्तार से तरक्याती काम होने चाहिए थे जिस रफ्तार से जिस तरह हमारी सिटी गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए वो हरगिज़ नहीं हुआ ये सब मानते सिटी गवर्नमेंट वाले भी जानते हैं मेयर भी जानते चाहे वो नमतुल्ल साहब हो कमाल हो या अब जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वो मानते हैं कि अभी जिस तादाद से जिस तेज़ी से जिस तरह की डिमांड है जिस तरह के लोग आएँ हम हम वो कर नहीं पाते और ये एक अजीब बात है अजीब बात इसलिए कि कराची बिला शुबा पाकिस्तान का नहीं ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस खत्े का अमीर तरीन शहर है ये आदाद शुमार मेरी किताब में भी है कई जगह आपको मिल जाएगा कि ये कहा जाता है कि कराची पाकिस्तान का तकरीबन बत्तीस से पैंतीस फ़ीसद टैक्स देता है ठीक है इसमें बहस कर सकते हैं कि अट्ठाईस है या बत्तीस है लेकिन ये वाजह है कि कोई शहर बल्कि कोई सूबा भी कई सूबे भी इतने पैसे नहीं देते पूरे हमारे एफ को पूरे टैक्स जो जमा होते हैं लेकिन कराची फिर ग़रीब रह जाता है क्योंकि हमारे पैसे चले जाते हैं यहाँ के कराची की जो आवाम है कराची की आबादी जिस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो वो कहते हैं कराची से जो वसायल पैदा होते हैं वो कराची वालों को नहीं मिल रहे मेरे ख्याल है बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ये जायज़ एक डिमांड है लेकिन उसके और भी पेचीदगियाँ हैं जिसमें वो जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मसलन मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके हेड क्वार्टर ठीक है सारे बैंक्स के क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ है तो फिर जो अकाउंट्स जमा होते हैं वो कराची में होते हैं लेकिन उनकी ब्रांचेज कहीं और हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कराची अपनी आबादी के लिहाज से और उससे ज़्यादा इस मुल्क की इकतदी जो तरक्की उसमें हिस्सा देता है एक अमल अमल है उसका तो कराची की आबादी ये कहती है आवाम अबा, कहते हैं कि हमारे हक़ नहीं मिल रहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो मैं कराची का रहने वाला हूँ मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं लेकिन मुझे भी ये लगता है कि हमारी सड़कें हमारी गलियाँ हमारा कचरा वगैरह ये नहीं होता ये जिसको गवर्नेंस के मसाइल कहते हैं जो फेलियर्स हुए हैं वो सारी पार्टियाँ तीन तीन चार चार पार्टियाँ आ चुकी हैं सिंध में सिंध और कराची के हवाले से और ये एक मसाइल बरकरार है तो ये ये मसाइल है अच्छा इकतसदी हवाले से अगर हम देखें कि यहाँ पे जो कि बहुत जगह ये जो जिसको नाजायज़ कब्ज़ा कहा जाता है जो जो लोग आके जगह जगह पे कब्ज़ा कर लेते हैं उसको हटाया जाता है एम्प्रेस मार्केट का बहुत मशहूर है गुजर नाला है इस तरह के हैं तो ये ज़रा ये भी सियासी और पेचीदा मसला हो जाता है कि क्या गरीब लोगों को हटाना चाहिए हम देखते हैं अमीर इलाकों में भी इस तरह का कब्ज़ा किया जाता है अमीर भी नहीं मिडिल क्लास इलाकों में किया जाता है पोलिटिकल पार्टीज़ भी करती हैं वो बेचारे बेचारे क्या वो बच जाते हैं जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो, वो दो गज़ ज़मीन ले लेते हैं उनको हटा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये ये गलत है ठीक है लेकिन वो जो गलत है उनको कुछ नहीं कहा जाता तो ये एक ऐसा शहर है इकतसादी तौर पे समाजी तौर पे जिसमें लचक बहुत है यानी लचक का मतलब है एक्सपैंड कर जाता है इधर चोट पड़ी उधर उसमें कुछ बेहतर होगी यहाँ पे कुछ बंदिश हुई तो थोड़ा आगे खुलने लगे ये सारी चीज़ें लगती तो ये इकतसादी तौर पे तो बहुत डायनेमिक है और आ, मैं तो समझता हूँ कि मुल्क का मुस्बिल और कराची का मुस्कबिल एक भी है चाहे आप पंजाब में जितनी तरक्की कर लें दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ आ जाएँ आप सी बना दें कराची को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते मैं तो समझता हूँ कराची की जान ही इनफॉर्मल सेक्टर है आदाद व शुमार जहाँ तक मेरे ख्याल सत्तर फ़ीसद जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं पूरे पाकिस्तान का है ये कराची नहीं सिर्फ ये आप कहीं पर भी चले जाएँ हमारी जो पूरी जो बुनियाद है मीशत की वो इनफॉर्मल सेक्टर पर है ख़ास तौर पर शहरों में अनडॉक्यूमेंटेड भी कहते हैं इनफॉर्मल भी कहते हैं इलीगल भी कहते हैं ये इस पर काफ़ी जो एक्डेमिक्स वगैरह होते हैं इस पर बहस भी करते हैं मजामी भी लिखते हैं लेकिन बहरहाल आप हम सब समझते हैं हम किसकी तरफ निशानदेही करें ये ये हाँ, शहर के वसाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इनका नहीं होता मिसाल के तौर पर टैक्स आ, ये टैक्स आमतौर पर नहीं देते क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होते वो कहते हैं ये पता नहीं जमीन ये ये कारखाना किसका है ये छोटी ये ये जो मैकेनिक की दुकान है ये किसकी है पता नहीं रजिस्टर्ड नहीं होते डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ये बहुत बड़ा मसला होता है दूसरा दूसरा ये होता है कि अगर कभी देखें जो भी रिसर्च हुई है और बहुत सारे लोगों ने किए वो कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर जो है जो ये अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर सेक्टर है उसका सबसे बड़ा मसला जो होता है उसको क्रेडिट चाहिए होता है कि उसको थोड़े से कर्जे मिल जाए अच्छा वो जाते हैं किसी से जो जो सूद पे जो कर्ज़ा देता है बहुत सूद पे देता है उससे ले, ले लेते हैं या किसी रिश्तेदार से ले लेते हैं या साथ वाले जो मार्केट वगैरह से ले लेते हैं तो ये जो रेट मिलते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिलते हैं बहुत ज़्यादा इनको बहुत महंगा पड़ता है ये कर्ज़े अगर ये बैंकिंग सेक्टर के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई आपके कागजात का हैं ये दुकान किसकी है आप गिरवी क्या रखेंगे तो अगर ये जो एक एक जहन बन जाए इस तरह से कि इनफॉर्मल सेक्टर तो है और ये चलेगा इसको दुनिया में कहीं नहीं न्यूयॉर्क हो गया अमेरिका में कोई शहर लेने बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर तो होता ही है छो छोटा होता है हमारे मुल्कों में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है ठीक है इस थाईलैंड चले जाएँ लोग जाते रहते हैं वहाँ पे छोटे 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 ये लगे होते हैं जो खाना खाना बिकता है सारे 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 जो है इस पे जो जो, जो चलने की जगह है वहाँ पे खाना सड़क पे खाना बन रहा होता है लोग खा रहे हैं सफाई भी होती है और वो कुछ अपना कुछ टैक्स म्यूनिसपल टैक्स दे देते हैं तो हमारे यहाँ टैक्स चोरी बहुत होती है ये बड़े अमीर से अमीर शख्स करता है गरीब बेचारा कभी कहता है कि मैं तो दे भी नहीं सकता मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में की आबादी जो है बाईस करोड़ की है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन उसमें इनकम टैक्स जो देते हैं वो एक फीसद से भी कम है यानी दो मिलियन से भी कम है तो या आप सोच हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गरीब या मिडिल क्लास चोरी करती पूरा पाकिस्तान चोरी करता है टैक्स अच्छा लेकिन जो गरीब लोग जो होते हैं ना वो अगर किसी तरह से उन उनपे इस तरह का टैक्स लग जाए अस और मसला ये होता है कराची जैसे शहर में एक लफ्ज़ है जो बहुत चलता है भत्ता ठीक है भत्ता हर एक शख्स देता है आप किसी रेडी वाले से पूछ लें वो कहते हैं मैं दिन के सौ रुपए दे हूँ फना से आ मैं नाम नहीं लेना चाहता कहाँ से आते मैं सरकारी इदारे में बैठा हूँ यहाँ से आ जाते हैं वहाँ से आ जाते हैं वहाँ से आ जाते अब फर्ज करें कि अगर फर्ज करें कोई सौ रुपए देता है रोज के किसी ना किसी इंतजामिया के शोबे को अगर आप उसे कह दें कि देखो यार पचास रुपए तुम के को दे दो ये रसीद है अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा ये पैसे जो है ना तुम्हारे तुम महफूज भी रहेंगे टैक्स भी हो जाएगा तुम्हारा नाम भी लिख लेंगे तुम्हारे तुम्हें नंबर भी दे देंगे कि अच्छा ये रेडी है इसका नंबर है डी एक चलो ये रखो ख्याल रखो इसका तो वो पचास रुपए देके उसके पचास रुपए बच जाते हैं और वो पचास रुपये ना किसी की जेब में जाने के बजाय वो के या जो जो जहाँ पर जो भी इधारा है सरकारी इधारा उसके पास आ जाते हैं वो तरक्की हो सकती है उसकी थोड़ी बहुत तरक्की हो सकती है तो ये इनफॉर्मल सेक्टर की इकोनमी बहुत वसी है बहुत अहम है लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए मैं तो कहूँगा सिर्फ इनफार्मल सेक्टर नहीं लेकिन हर जगह ऐसे जो बस दुकानें हैं हमें पता है कि अंडर इन्वाइसिंग होती है हमें पता है कि जो जिनकी बिक्री होती है जो टैक्स दे रहे होते हैं उसमें उन्नीस बीस नहीं किया बारह और अठारह का फर्क होता है इतना फ़र्क होता है ये इनफॉर्मल से फॉर्मल के जाने के लिए कि इनफॉर्मल इकॉनमी रहेगी मैंने जैसे थाईलैंड बैंकॉक की मिसाल दी बैंकॉक हो गया सिंगापुर हो गया सिंगापुर तो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है वहाँ पे तो टैक्स चोरी करना ये वो करना बहुत मशहूर लेकिन उन्होंने ऐसे मौाक़े पैदा किए हुए ऐसे इलाके पैदा किए हुए हैं जहाँ पे कोई औरत है बेवा है कोई भी है उसके बच्चे हैं जैसे भी है उसने अपना वहाँ पर चूल्हा लगा दिया है कुछ खाना बेच रही है लेकिन फिर वो म्यूनसिपैलिटी को थोड़ा बहुत टैक्स दे रही हो वो कह रहे होंगे भाई आप जितना कमाते हैं कमाएँ लेकिन आपने ये जो, जो जो आपने ठेला लगाया हुआ है या आपने जो जगह लगाई हुई है वो आप रजिस्टर कर लें जैसे हमारे यहाँ जुमे बाज़ार में इतवार बाज़ार में अक्सर ऐसा होता था अब मुझे नहीं पता इसका निज़ाम है क्योंकि बहुत जगह जहाँ ये बाज़ार होते थे वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं लेकिन पहले मुझे याद है अच्छी तरह से कि वहाँ की इंतज़ामिया थी वो कहती थी कि आप ज़रूर ठहरा लगाएँ आप ज़रूर जो भी बेचना चाहते हैं आप थोड़े बहुत पैसे आप उसका एक टैक्स दे दें तो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए इनफॉर्मल सेक्टर और इंतज़ामिया को दोनों को साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है उनसे कहें कि देखें हम आपको तहफ़ देंगे आप हमें कुछ कंट्रीब्यूशन दें हम आपकी जगह साफ़ कर देंगे अच्छी जगह बना देंगे ताकि गाहक भी आ सकें आपको आने जाने में आसानी हो ये यहाँ पे आपने जो जगह लगाई हुई है ये गैर कानूनी है लाकानूनी है यहाँ नहीं होनी चाहिए हम आपको मुतबादल जगह देते तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि जो हमारे जो ये जो ग़रीब तबका है ख़ास तौर पर शहरों में आ, हर शहर में और मुल्क में भी जो ये कहता है कि भाई मैं मजबूर हूँ मुझे ये जगह मिल गई लेकिन अगर कोई इंतज़ामिया उनके साथ कुछ इस तरह का कोई अरेंजमेंट कर ले कि उनको जगह मिल जाए और वो अपना कारोबार कर सकें और थोड़े से पैसे दे दें चल दस रुपये बीस पचास जो भी बनते हैं तो अपनी दिहाड़ी के हवाले से थोड़ा बहुत दे दें ताकि इंतजामिया के पास भी फार्मलाइज भी हो जाए थोड़ा बहुत फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर भी चलता रहे लेकिन बीच में कोई रास् ढूंढने की ज़रूरत और इसी तरह से जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है इन्फॉर्मेंट सेक्टर चाहे कुछ भी हो जाए वो कहीं जाने वाला नहीं वो रीढ़ की हड्डी है हर शहर की छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में और देखिए महंगाई का दौर है लोग कहते हैं भाई टैक्स हम नहीं देना चाहते लेकिन इस तरह की जो अगर कुछ कुछ कोशिशें की जाए कि चाहे वो जो दरमियाना तबका है बड़ा है सब की तरफ टैक्स की तरफ अगर निशानदी की जाए डॉक्यूमेंटेशन हो ये भी ज़रूरी है कि उनको तहफ़ दिया जाए कि अगर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है उनको क्या मिलेगा तहफ़ मिलेगा कोई हटाएगा नहीं उन्हें उनको फिर ये नहीं आएगा कि रातों रात उनके ठेले हटा दिए गए जैसे होता है हर शहर में होता है कराची में बहुत होता है या भत्ता लिया जाता है तो उसके एवस कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी अपनानी चाहिए कुछ ऐसी जगहें भी बनानी चाहिए जहाँ पे वो अपना अपना सामान बेच सकते हैं महफूज और वो उनको पता है कि ये ये उनको कोई हटाएगा नहीं तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें और ऐसे इलाके करने चाहिए जो शहर की हुकूमत है जो सिविल जो सिविल जो हमारी हुकूमत है सिविक उसको करनी चाहिए कि ऐसे इलाके साफ़ करें सुथरे रखें जहाँ पे ये लोग जा सकें जहाँ फैमिली जा सकें जहाँ और लोग जा सकें बैठ सकें खा पी सकें या अपना छोटा 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 कारोबार कर सकते हैं टूरिज्म के लिए कैसा है अब देखें कराची कागान नहीं बन सकता जाहिर सी बात है ना लाहौर बन सकता है लाहौर की कदीम इमारतें हैं एक तारीखी हिस्सा ना मुल्तान बन सकता है सूफियों का शहर है तो इस तरह कराची की अपनी अहमियत है यहाँ पे जो डायनाजम है ना जिद्दत जो है शहर में वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी आपको दूसरे बहुत अच्छे शहर हैं सोते हुए शहर हैं ठीक है थीके? कराची जागता हुआ शहर रात को जागता है आप कराची में अगर रहने वाले हैं आपको खुद पता होगा शोर इतना होता है सो नहीं सकते वैसे भी अगर मूड हो रहा है बाहर जाने का फैमिली के साथ भी आप निकल जाएँ ग्यारह बजे बारह बजे आपको रौनक नज़र आएगी रौनक रौ, रौनकों का शहर है कहते हैं टूरिज्म के लिए कैसा है अब देखें कराची कागान नहीं बन सकता जाहिर सी बात है ना लाहौर बन सकता है लाहौर की कदीम इमारतें हैं एक तारीखी हिस्सा ना मुल्तान बन सकता है सूफ़ियों का शहर है तो इस तरह कराची की अपनी अहमियत है यहाँ पे जो डायनामिज्म है ना जिदत जो है शहर में वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी आपको दूसरे बहुत अच्छे शहर हैं सोते हुए शहर हैं ठीक है थीके? कराची जागता हुआ शहर रात को जागता है आप कराची में अगर रहने वाले हैं आपको खुद पता होगा शोर इतना होता है सो नहीं सकते वैसे भी अगर मूड हो रहा है बाहर जाने का फैमिली के साथ भी आप निकल जाएं 11 बजे 12 बजे आपको रौनक नज़र आएगी रौनक रौनकों का शहर है तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भी जो लोग आते हैं समंदर तो खैर है ही बहुत और जगह भी है लेकिन कराची का साहिल है तो यहाँ एक इकतदी तौर पर अगर इसको हम जो आलमी शहर बनाना चाहते हैं मुझे याद है भुट्टो साहब की एक 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 ख्वाब हाँ था जब बैरूत में उस वक्त उन्नीस सौ सत्तर की दिहाई में बैरूत में बहुत वो सिविल वॉर वगैरह चल रही थी तो उनका था हम कराची को बैरूत बनाएंगे उसके बाद दुबई उभर उभर के आ गया तो दुबई भी आप अगर देखें ना दुबई भी एक ऐसा शहर निकला है जो कुछ भी रे, रे रेगिस्तान में से निकला है ना उसके पास तेल है ना उसके पास कुछ है लेकिन वो एक रेगिस्तान से एक फाइनेंशियल सेंटर बना है तो कराची शायद दुबई तो नहीं बनेगा लेकिन कम से कम ऐसी उसमें जान आ सकती है कि यहाँ पे आ, लोग बाहर से आएँ देखें इसमें आ, सफाई बहुत जरूरी है देखें कोई कोई बाहर से आता है वो गंदगी सफ़ाई वगैरह देखता है पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है अब देखें हर रोज जो ये बताए जा रहे होते हैं कि ए क्यू आई इंडेक्स वो लाहौर नंबर वन होता है कराची नंबर टू होता है फिर दिल्ली आ जाता है या तो कभी कराची ऊपर चला जाता है अगर ऐसी ऐसा शहर होगा एक और जो सबसे मेरे ख़्याल है कराची का जो सबसे अहम कहना चाहिए या अहम तरीन में से तीन चार अहम तरीन में से मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है अगर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि टैक्सियाँ या ये करीम या ये या ये नहीं होता कि बाकायदा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जहाँ पे कराची रेलवे हो क्या बसेस का निज़ाम हो अगर ये नहीं होगा ना तो फिर ये शहर देखें अजीब बात ये कराची इन रुकावटों के बावजूद इतना बड़ा शहर है इन रुकावटों के बावजूद इन मसाइल के बावजूद लसानी मसाइल कराची के हैं रहे हैं डेढ़ डेढ़ घंटा मैं कराची यूनिवर्सिटी में मे मेरा दफ्तर वहाँ इधर आने के लिए घंटा सवा घंटा रोज़ लगता है एक और दोपहर शाम को तो और भी ज़्यादा लंबा होता है हम लोग आते हैं जाते हैं शौक़ से आते हैं अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए मिसाल के तौर पर जो आम जो ख़ास शाहराहें हैं तो ये बोझ उठ जाए कहने की बात है वो होगा नहीं होगा लेकिन होना चाहिए आप किसी शहर में चले जाएँ आप मुंबई चले जाएं आप इस्तांबुल चले जाएं आप दिल्ली चले जाएं आप कलकत्ता चले जाएं ये इस खत्ते के शहर जो है बड़े बड़े जिनसे मुकाबला किया जाए सबके पास अंडरग्राउंड है ठीक है सबवेज़ है तो मेट्रो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में नहीं है ये ये जो लोग कराची को स्टडी करते हैं वो हैरान होते हैं कि इतना इतना बड़ा शहर इतनी डायनामिज़म इतना फाइनेंशियल इसमें ये सारा इंक्लूजन लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर तो ये कराची की एक तारीफ भी है कि वाह वाह कराची कितना आगे लेकिन एक रुकावट भी है आगे बढ़ने बन, के लिए मेरा ख्याल है कि इधर जैसे कोशिश की गई है कि समंदर के पास या खाने पीने की जगह पाकिस्तान में है और क्या खाने पीने की जगह और क्या कर सकता है बंदा क्या करेगा शाम को आउटिंग पर खाने पीने ही जाएगा चले इस तरह की जो फूड स्ट्रीट्स कहलाई जाती हैं या इस तरह के मौाक़े पैदा किए जाए लेकिन ये आसान कर दे लोगों के जा, जाने के लिए होटलों की कमी है बहुत दो ढाई तीन बड़े बड़े होटल हैं क्योंकि कराच पाकिस्तान पूरा इस ख़त्े का जो जो ये जो, जो वॉर एंड टेरर हुई उसका जाहिर असर भी पड़ा है लेकिन अगर ये ना हो तो अगर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कि अट्रैक्ट किया जाए इकतसादी वो तो हैं अट्रैक्शनस तो हैं लेकिन कुछ इस तरह की आप कह रहे हैं टूरिज़म के लिहाज से कुछ किया जाए तो बहुत अच्छा होगा लेकिन मेरा ख्याल है अभी वक्त लगेगा कराची मुझे इसमें पोटेंशल बहुत है नज़र भी आता है जाहिर ये सारी जो तरक्की हुई है सारी आबादी है जो इकतदी जो जहाँ हम पहुँचे हैं इन मसाइल के बावजूद इन वसायल की कमी के बावजूद आप खुद सोचें अगर कराची के साथ इंसाफ किया जाए कराची को वसायल ज़्यादा दी जाए और कराची की जो इंतज़ामिया है वो भी इसको सही तरह खर्च करे तो कराची कहाँ से कहाँ जा सकता है